कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले आए अधिकांश एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस किंगमेकर की भूमिका में दिख रही है। कर्नाटक की राजनीति का इतिहास ही ऐसा कुछ रहा है कि जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ सरकार बना चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब जेडीएस ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो कुमारस्वामी ही मुख्यमंत्री बने, और जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कुमारस्वामी ने साथ छोड़ दिया था। वहीं 2018 में कांग्रेस के साथ जेडीएस ने सरकार बनाई तो एक बार फिर कुमारस्वामी ही मुख्यमंत्री बने। राज्य के सियासी इतिहास को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने जेडीएस को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अगर नतीजों में से किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो जेडीएस ही तय करेगी कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बताया जा रहा है कि जेडीएस को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों ने महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ बातचीत की है। उधर बीजेपी में भी हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री शोभा करण लाजे ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोन पर बात की है। अगर बीजेपी बहुमत से दूर रहती है तो जेडीएस के समर्थन की दरकार पड़ सकती है। दरअसल कर्नाटक में जेडीएस की भूमिका को समझने के लिए 2018 के नतीजों पर गौर करना जरूरी है। जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन बीजेपी बहुमत से 9 सीट दूर रह गई। कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जेडीएस को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, हालांकि एक साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई। कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन गई। वहीं तमाम एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2018 के अनुभव को देखते हुए यह जरूरी नहीं है कि कुमारस्वामी को फिर से मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। सियासी पंडितों का मानना है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते हैं तो जेडीएस के विधायकों के टूटने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एग्जिट पोल के बाद जेडीएस की भूमिका किंग मेकर के तौर पर मानी जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी या कांग्रेस कोई भी जेडीएस को किंग की भूमिका में नहीं रखना चाहता है। मतलब साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जेडीएस से गठबंधन तो चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं देना चाहते। उधर जेडीएस इस आस में बैठा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बने तो 2004 और 2018 वाले इतिहास को दोहराते हुए कुमारस्वामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो बीजेपी या कांग्रेस जेडीएस को मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी, और अगर जेडीएस किसी को समर्थन नहीं देता है तो एक तीसरा विकल्प भी निकल सकता है। यह विकल्प निर्दलीय विधायकों का हो सकता है। हालांकि यह भी दिलचस्प होगा कि कितने निर्दलीय विधायक चुनाव जीतने में सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर निर्दलीय विधायक चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां उन्हें अपने अपने पाले में शामिल करने की पुरजोर कोशिश करेंगी। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ भी दिखाया गया है, लेकिन नतीजों के बाद ही तय होगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस या बीजेपी किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो जेडीएस का किंग मेकर बनने का ख्वाब जरूर टूट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।